नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में तेजी आई और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, सरसों, चना और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे और भाव पर चर्चा होगी कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव के साथ। लेकिन आइए बुलेटिन की यहां पर शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। हिम्मतनगर मंडी में 222 रुपए लुढ़ाकर 2658 रुपए हुए गेहूं के सौदे। राजकोट मंडी में आई 40 रुपए की तेजी। बुलेटिन की शुरुआत गेहूं के बाजार से ही। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर गेहूं की जो रिकॉर्ड पैदावार है उसका अनुमान जताया जा रहा है। इस साल देश में गेहूं की उपज 1121 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 44 लाख टन से अधिक है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव की बात करते हैं तो राजकोट और बेगू मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हो रहे हैं, जबकि हिम्मतनगर और बस्ती मंडी में नरमी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं लालसोट मंडी में गेहूं के बाजार भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। गेहूं के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो राजकोट और बेगू मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं हिम्मतनगर और बस्ती मंडी में नरमी रही, जबकि लालसोट मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में 1 मार्च को सोनालिका गेहूं का भाव रहा 2880 रुपए, 2 मार्च को इसके भाव में 222 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 2658 रुपए हो गया। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान लोकवान गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 1 मार्च को लोकवान गेहूं का भाव था 2150 रुपए, 2 मार्च को इसके सौदे 40 रुपए चढ़कर 2190 रुपए पर हुए। राजस्थान की बेगू मंडी में 1 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2150 रुपए, 2 मार्च को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2160 रुपए पर। हालांकि लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 मार्च को गेहूं 2300 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में इस दौरान धारा क्वालिटी के गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 1 मार्च को धारा गेहूं का भाव था 2300 रुपए, 2 मार्च को इसके भाव 50 रुपए टूटकर 2250 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1121 लाख 82 हजार टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 44 लाख 40 हजार टन अधिक है, जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1077 लाख 42 हजार टन रही थी। उपज होने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है गेहूं का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे इसके बाजार भाव भी। अभी इसका बाजार अच्छे स्तर पर बना हुआ है, हमारे किसान मंडियों का रुख कर सकते हैं, जहां अच्छे दाम मिल रहे हैं आप बिकवाली करके मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। कोटा मंडी में 50 रुपए गिरा सरसों का बाजार भाव। अलीगढ़ मंडी में 50 रुपए मजबूत होकर 5150 रुपए पहुंची सरसों। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची चने की पैदावार, इस साल 136 लाख टन के पार जा सकती है उपज। अब बात करते हैं सरसों के बाजार की। बता दें आपको कि गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। आवक की बात करते हैं तो इन दिनों सरसों की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। सरसों के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। आवक की बात करें तो इन दिनों सरसों की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है।
एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 1 मार्च को सरसों का भाव था 4,700 रुपए, 2 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 4,700 रुपए पर बरकरार रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 1 मार्च को सरसों का भाव रहा 5,050 रुपए, 2 मार्च को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 5,000 रुपए पर हुए। राज्य की ही लालसोट मंडी में 1 मार्च को सरसों का भाव था 5,251 रुपए, 2 मार्च को इसके भाव में 49 रुपए की तेजी आई और भाव 5,300 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 1 मार्च को सरसों का भाव रहा 5,100 रुपए, 2 मार्च को इसके सौदों में 50 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,150 रुपए हो गया। हालांकि लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 मार्च को सरसों 6,260 रुपए पर बिकी। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400,01,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 128,18,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 टन से 8,55,000 टन अधिक है। तो सरसों के बाजार का हाल आपने जाना, आगे की परिस्थितियां जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट से फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ शिव जी। सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। सरसों के बाजार का हाल आपसे जानना चाहेंगे, आगे हम किस तरह की उम्मीद लगाएं? सरसों की बात की जाए तो कीमतों पर दबाव दिख रहा है जी। नई फसल की आवक शुरू हो गई है, मांग में नरमी देखने को मिली है। जहां तक द्वितीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, वर्ष 2022-23 में द्वितीय अग्रिम अनुमान के मुताबिक अपने देश में 1,28,00,000 टन सरसों उत्पादन होने का अनुमान है, जो लक्ष्य से कहीं ज्यादा है जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक आवक में बढ़ोतरी के कारण सरसों की कीमतों पर थोड़ा दबाव का रुख दिखेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो छोटी अवधि में दबाव का माहौल रहेगा और वहीं लंबी अवधि में थोड़ी बेहतरी हो सकती है, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि आवक शुरू हो गई है, आने वाले समय में नई फसल की आवक में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुछ दिनों तक आवक में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों पर दबाव देखने को मिल सकता है। जहां तक सरसों खली के निर्यात की बात की जाए, हमने देखा है कि सरसों खली के निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में भी सरसों खली के निर्यात में भी अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिस कारण से आने वाले समय में सरसों की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, लंबी अवधि में इसमें मजबूती की उम्मीद यहाँ जताई जा रही है। इसके साथ शिव जी आपसे गुजारिश है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अलग अलग जिनसों के बाजार की जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, ग्वार के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। राजस्थान की गोलूवाला मंडी की बात करेंगे, बता दें यहां पर ग्वार का बाजार भाव रहा 5,370 रुपए। बाड़मेर मंडी की बात करते हैं तो यहां पर सौदे हुए 5,550 रुपए पर। जयपुर मंडी का जिक्र किया जाए तो यहां पर बिकवाली हुई 5,270 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में ग्वार की जो बिकवाली है वो किस स्तर पर हो रही है। इसी के साथ बताएं, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। दादू दादू हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल।
जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC, हर पल आपके साथ। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रागी और ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं बाजरा की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। अगर हम इसके भाव पर नजर डालते हैं तो गुरुवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दहीगाम मंडी में बाजरे का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2425 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की लिंगासुगूर मंडी में भाव रहा 2600 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरा बिका 2130 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इस दौरान हाइब्रिड बाजरे के सौदे हुए 2350 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद अगर हम मोटे अनाज की पैदावार की बात करते हैं तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो बाजरे के बाजार का हाल आपने जाना, आगे का हाल जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, यहां पर हम आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे बाजरे के बाजार भाव को लेकर। बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है, आवक सामान्य है। जहां तक वर्ष 2022-23 के लिए द्वितीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, इस साल अपने देश में 97,85,000 टन बाजरा उत्पादन होने का अनुमान है, जो लक्ष्य से कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में बाजरा की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, कीमतों में स्थिरता का रुख ही बना रहेगा। बिल्कुल, तो स्थिरता का माहौल यहाँ पर बना रह सकता है, तो ऐसे में हमारे किसान क्या करें? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसकी मांग में नरमी के कारण इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी का रुख नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारे किसान इंतजार करके चलें, धीरे धीरे बिकवाली कर सकते हैं, आगे स्थिरता ही अनुमानित है। बढ़ते हैं आगे, मक्का के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। राजस्थान की बेगू मंडी में मक्का का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,007 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में भाव रहा 2,050 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में इसके सौदे हुए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मक्का के बाद आइए बुलेटिन में बात रागी की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक सुस्त बनी हुई है। गुरुवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। अगर हम बात इसकी बुआई की करते हैं तो चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी रागी की बुआई का जो क्षेत्रफल है वो 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में हुई थी।
वहीं रागी की पैदावार की बात करें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन की रही थी। तो बुआई का क्षेत्रफल यहां पर बढ़ा है, ऐसे में आगे आने वाले समय में इसकी आवक भी बढ़ सकती है, प्रभावित होंगे इसके बाजार भाव। हाल फिलहाल में ही हमारे किसान जो है मंडियों का रुख कर सकते हैं, निगरानी बनाकर चलिए, जहां अच्छे दाम मिलते हैं आप बिकवाली कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे जौ के बाजार भाव की, अब हम आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर जौ की बिकवाली हो रही है। गुजरात की दाहोद मंडी से करेंगे शुरुआत, जौ का बाजार भाव रहा 2,350 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर भाव रहा 1,983 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की सिरसागंज मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 2,840 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जौ के बाजार का हाल आपने जाना, अब बात करते हैं ज्वार की। इस साल रबी ज्वार की बुआई का जो क्षेत्रफल है वो घटा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 22,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान ज्वार की खेती 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का जो क्षेत्रफल है वो बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर पीछे है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दोनों ज्वार की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। बात इसके भाव की करते हैं तो एक मार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का बाजार भाव रहा 4,750 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की जंबूसर मंडी की बात करें यहां पर भाव रहा 2,800 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इसके सौदे हुए 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। और राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान ज्वार की बिकवाली दर्ज की गई 2,705 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब हम ज्वार की पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की जो पैदावार है 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन की रही थी। तो ज्वार की पैदावार में हमने साफ तौर पर देखा कि काफी कमी का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है, जबकि अगर हम बुआई के क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें भी कमी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसके जो बाजार भाव हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। हमारे किसान धीरे धीरे करके ही मंडियों का रुख करें और आप निगरानी भी बनाकर चलें, जहां अच्छे दाम मिलते हैं आप बेझिझक यहां पर बिकवाली कर सकते हैं। तो अभी आपने मोटे अनाजों के बाजार का हाल जान लिया, इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम चने का हाल, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में, कभी परछाई बनके कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं चने की। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है।
कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 5.08 लाख टन और बीते 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है। वहीं घरेलू स्तर पर चने की पैदावार जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इस साल चने की उपज 136.13 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की दाहोद मंडी में चने का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 4,785 रुपए प्रति क्विंटल। राजकोट मंडी में भाव रहा 4,650 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी में सौदे हुए 4,700 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में इस दौरान चने के सौदे हुए 5,780 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये बाजार भाव हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार बने हुए हमारे साथ, आइए उनसे चने पर जानकारी लें। शिव जी, चने के बाजार भाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? चना की बात की जाए तो चना की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। नई फसल की आवक शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है। जी, जहां तक वर्ष 2022-23 के लिए द्वितीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, इस साल अपने देश में 1,36,00,000 टन चना उत्पादन होने का अनुमान है, जो लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में नरमी और आवक में बढ़ोतरी के कारण चना की कीमतों पर थोड़ा दबाव दिखेगा। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान जिनके पास स्टॉक है उन्हें क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। कुछ दिनों तक मांग में नरमी और आवक में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव दिख सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर हमारे चने के किसान चल सकते हैं। इसके साथ ही शिव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, कृषि जिनसों पर आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की, धन्यवाद आपका। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं धनिये के बाजार भाव की। गुजरात की पोरबंदर मंडी की बात करेंगे। बता दें यहाँ पर धनिये का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 6,275 रुपए प्रति क्विंटल। धोराजी मंडी का हाल बताएं तो यहाँ पर भाव रहा 5,855 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में सौदे हुए 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। धनिये के बाद अब बात करते हैं जीरे के बाजार भाव की। गुजरात की मंडी की बात करें, जीरे का बाजार भाव रहा 26,500 रुपए प्रति क्विंटल और वहीं राजकोट मंडी में इसके सौदे हुए 27,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 27,180 रुपए प्रति क्विंटल। सभी जो बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अंत में एक नजर मेथी दाना के बाजार भाव पर। गुजरात की जसदण मंडी में मेथी दाने का बाजार भाव रहा 5,900 रुपए प्रति क्विंटल। राजकोट मंडी में भाव रहा 6,250 रुपए प्रति क्विंटल और राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 5,420 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आपने जाना अलग अलग जिन्सों के बाजार के हाल के बारे में। इसी के साथ बता दें आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।